वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटोजोन। दोस्तों यहां आपको मिलेंगे टॉप न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबल, साथ में लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। कमेंट में अक्सर पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, कि प्योर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है या कौन सी कंपनी इसको बना रही है। तो बिल्कुल हैदराबाद बेस्ड प्योर ईवी, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप है, वो जो स्कूटर बना रही है, जो इसका मॉडल है एप्लीटो 7G, उसको मैं मानता हूँ कि एक प्योर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर है। उसका रीजन है कि बिल्कुल उसकी प्योर डिजाइनिंग सब कुछ के अलावा, जो इवन जो बैटरी पैक है वो भी कंपनी खुद बना रही है। अब पूछा जाएगा कि सर एथर, बजाज, टीवीएस, ये भी तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, तो ये इनसे बेहतर ये कैसा है? रीजन सबसे बड़ा यही है कि बिल्कुल वो सब भी काफी कोशिश है कि उनकी 50-60-70% तक लोकलाइजेशन कर रहे हैं, बट स्टिल जो मेन पार्ट है बैटरी पैक वो ये कंपनीज नहीं बना रही है, असेंबल कर रही है सिर्फ। लेकिन प्योर इलेक्ट्रिक प्योर ईवी वो इसको खुद बना रहा है, मेड इन इंडिया बैटरी पैक है इनका, लिथियम बेस्ड। और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है, वो सब मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली जो ये बैटरी पैक बना रहे हैं, इससे जुड़ा आज का अपडेट रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है, अदरवाइज जनरली मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, बट ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको काफी कुछ जानने को आज मिलेगा। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा सर इन सभी जो स्कूटर्स इंडिया में अवेलेबल है टॉप एंड वाले, इनको आप अगर नंबर वाइज करें, नंबर वन नंबर टू कौन सा है, तो नंबर वन बिल्कुल प्योर ईवी का एप्लीटो 7G, नंबर टू मैं रखूंगा एथर को, उसके बाद बजाज, देन टीवीएस और जो अदर कंपनीज है। रीजन ये है कि एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने बजाज को इतना नीचे क्यों रखा है नंबर थ्री पर। उसका रीजन ये है, आज की डेट में उसकी प्रोडक्शन बंद है। क्यों बंद है? कि इनके पार्ट्स ईवी कंपोनेंट्स जो पार्ट्स है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाइना से आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि मैंने इसको क्यों नंबर थ्री रखा है, जबकि एथर की प्रोडक्शन चल रही है, प्योर ईवी की प्रोडक्शन चल रही है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट बजाज का काम बंद है। रीजन ये है कि उसकी डिपेंडेंस चाइना पर ज्यादा थी। तो बिल्कुल जो कंपनी, चाहे वो बेशक इंडियन हो, इतना डिपेंडेंट रहेगी चाइना पे, उसके साथ ये होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, ये कंपनी सफर करेंगी, अपनी R&D नहीं करेंगी, तो उनके प्लांट बंद होने ही होने हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम प्योर ईवी की तरफ, जिसको मैंने नंबर वन, जिसका स्कूटर है एप्लीटो 7G, उसको नंबर वन कह रहा हूं। प्योर ईवी जो लिथियम बैटरीज बना रही हैं या आगे इवन सेल भी कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं डिफरेंट फॉर्म्स को, उसके एक अलग ब्रांड नेम रखा है, दैट इज प्योर लिथियम। इस नाम से इनकी इलेक्ट्रिक लिथियम आयन बैटरीज बनती है और आगे सेल करते हैं। उनका जो मेन यूज है वो उनका अपने जो स्कूटर है या जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल है उसमें इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी फॉर अदर कंपनीज को, अदर स्टार्टअप्स को ये प्रोवाइड करते हैं। पूरा बैटरी डिजाइन इनका खुद इन हाउस डिजाइन किया हुआ है, इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट असेंबली है, टेस्टिंग लाइन है पूरा वहां पर, पूरा ए क्लास बढ़िया जो ये लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं, वो लाइट वेट है, हाई डिस्चार्ज कैपेसिटी है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, और इसके अलावा जो बैटरी पैक बनाया गया है वो स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट अंडर डिफरेंट जो इन्वायरमेंट कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, जो डिफरेंट टेम्परेचर रेंज है, उसके हिसाब से इंडियन टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से इन बैटरी डिजाइन को बनाया गया है। तो बिल्कुल जो मुझे लगता है कि अगर हम अदर कंट्री, किसी ठंडी कंट्री की बैटरीज के मुकाबले जो परफॉर्मेंस रहेगी, हमारे जो मेड इन इंडिया बैटरीज है, जो यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ के माहौल के हिसाब से बनाई जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगी। एप्लीटो 7G को मैं एक प्योर मेड इन इंडिया 100% लोकलाइजेशन के साथ बना हुआ स्कूटर मानता हूं। बिल्कुल इनकी जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स हैं वो भी प्योर मेड इन इंडिया है। अपने खुद के इस्तेमाल के अलावा जो प्योर लिथियम बैटरीज है, इसको जो IIT हैदराबाद का हेल्थ केयर सेंटर है वहां पर इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ज्वाइंटली इन्होंने इस सेंटर के साथ मिलकर एक कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर भी बनाया है, जिसका नाम रखा गया है G1 लाइट, जो काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी बेनिफिट हो रहा है मरीजों के इलाज में। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल इन बैटरीज का हेल्थ केयर में और ऑटो में, हेल्थ केयर और रोबोटिक्स में इनकी बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं फिर से एक बार दोबारा बजाज चेतक की तरफ आते हैं, कि अगर इन्होंने खुद की R&D की होती, खुद का इनका लोकलाइजेशन लेवल ज़्यादा किया होता, तो आज की डेट में इनका प्लांट बंद नहीं होता। अभी तक मैं जो अदर कंट्रीज की कंपनीज हैं उनको मैं थम्स डाउन करता हूं, लेकिन जो बात हम आज कर रहे हैं बजाज चेतक से रिगार्डिंग जो बात निकली है, उसका रीजन यही है कि उनकी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा थी चाइना पर कि उनका आज उनकी डेट में उनका प्लांट बंद है। तो इस चीज के लिए एक थम्स डाउन मैं बिल्कुल करूंगा यहाँ बजाज को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस लेवल तक कॉपी पेस्ट वो करेंगे, मुझे उम्मीद थी कि उनकी खुद की R&D होगी, बट ऐसा नहीं लगता। इवन स्कूटर के डिजाइन को भी देखूँ तो मुझे काफी कुछ वेस्पा की कॉपी लगती है, हो सकता है बॉडी वेस्पा से ही आए, वैसे कोई अपडेट नहीं है,
लेकिन सबक है बाकी उन सभी कंपनीज के लिए जो बिल्कुल इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं या लॉन्च करने की प्लानिंग है, कि अगर वो भी डिपेंडेंस रखेंगी चाइना पे तो उनको आगे चलकर दिक्कत होने वाली है। जितनी ज्यादा लोकलाइजेशन उनकी इंडिया की रहेगी, जितना वो R&D करेंगे उतना उनके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। ये था आज का अपडेट। आपका ओवरऑल इस कमेंट के बारे में क्या कहना है? जो मैंने बजाज चेतक को थम्स डाउन किया है, फर्स्ट टाइम मैं थम्स डाउन कर रहा हूँ बजाज चेतक को, वो सही है या मैंने गलत किया है? तो मुझे इस पर भी आपके राय चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।